जय श्री राम, जय हनुमान, ओम श्री हनुमन्ते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान, निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। शनिवार का दिन 4 नवंबर कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि त्रिपुष्कर योग पूर्णवर्षु नक्षत्र सुबह 7:57 तक बृहस्पति स्वामी होगा। उसके बाद पुष नक्षत्र में शनि का प्रभाव देखने को मिलेगा। आज का दिन आपके लिए लाभकारी दिन है, भाग्यशाली योग है, क्योंकि 4 नवंबर को शनिवार के दिन शनि मार्गी हो जाएंगे। बहुत दिनों से शनि वक्री चाल में गोचर कर रहे थे, शनि की चाल उल्टी थी, जिसके प्रभाव से आपके जीवन में रुकावट और आपके जीवन में बाधा उत्पन्न हो रही थी। अब शनि मार्गी हो जाएंगे, यानी शनि की चाल सीधी हो जाएगी और शनि के शुभ प्रभाव से आपकी किस्मत भी चमक सकती है और आपके जीवन में अनेकों लाभ के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि शनि जब मार्गी होंगे तो राहु केतु भी आपके लिए शुभ फल लेकर आएंगे। आपके जीवन में सौभाग्य जागेगा, पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा। नौकरी व्यापार में दिन आपका अच्छा व्यतीत होगा, अच्छे अवसर की प्राप्ति होंगे। शनि के मार्गी होने से लाभ का योग बनेगा, सौभाग्य का योग बनेगा। किसी नए काम की शुरुआत भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए दिन बड़ा भाग्यशाली है, बड़े सौभाग्यशाली आप हैं। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में शनि की चाल आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। शनि जब भी अपनी चाल में परिवर्तन करता है, आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य होता है। शनि के चाल से ही तो आपके जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। शनि आपको धीरे धीरे ऊंचाइयों पर लेकर जाता है, जहां कर्मों का परिणाम मिलता है, जहां आपके जीवन में शुभ काम होते हैं। और शनि देव के प्रभाव से ही आपकी आमदनी भी बढ़ती है और शनि देव के प्रभाव से ही सफलता और आपके कार्य सिद्ध होते हैं। आप शनि मार्गी हो गए हैं, यानी आप आपके जीवन में शुभ फल की प्राप्ति होगी। जो काम अधूरे छूट गए थे, उसे पूरा करने का समय आ गया है। नौकरी व्यापार में धन की वृद्धि, वैवाहिक जीवन में खुशनुमा माहौल, आपके लिए अनुकूल परिस्थिति, कोई बड़ी सफलता, कामयाबी देने वाला आज का दिन आपके लिए लाभकारी होगा, सौभाग्यशाली होगा। क्योंकि शनि जब अपनी चाल बदलेगा, तब आपकी कुंडली का लाभ स्थान, आपकी कुंडली का सुख भाव, आपकी कुंडली का भाग्य स्थान और आपकी कुंडली में जो आपके वैवाहिक जीवन है, उस पर भी इसका परिणाम देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा तो सुख स्थान आपका प्रभावित होगा, जब आपके जीवन में आमदनी का रास्ता प्राप्त होगा। आमदनी अच्छी होगी, भाग्य में प्रबलता होगा, तो जीवन में शुभ फल, अद्भुत परिणाम अवश्य आपको प्राप्त होंगे। आप जो मेहनत करते हैं, उस मेहनत का परिणाम भी आपको शुभ मिलेगा, सौभाग्यशाली आप होंगे। यात्रा भी करेंगे, अच्छे लाभ की संभावना भी दिखाई दे रही है, साहस पराक्रम में भी वृद्धि होगा। और आज का दिन आपके लिए अपने हर लक्ष्य की प्राप्ति करना और आपके काम की प्रशंसा भी होगी, क्योंकि समय आपके लिए शुभ है, जो आपके भाग्य को चमकाएगा, आपके जीवन में खुशी लेकर आएगा, आपके परिवार में खुशियों को बढ़ाएगा। तो आज का दिन हर तरह से सौभाग्य देने वाला, लाभ देने वाला, धन संपत्ति को बढ़ाने वाला, आपके जीवन की दिक्कतों को दूर करने वाला भाग्यशाली दिन है, जिसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। त्रिपुष्कर योग में
जब शनि मार्गी होंगे उस समय पुष नक्षत्र में शनि का प्रभाव आपको पूरी तरह से प्रभावित कर रहा होगा। बृहस्पति शनि का प्रभाव है, केतु की छाया है, शुक्र और बुध की दृष्टि है। आज का दिन चार चरण में व्यतीत हो रहा है। प्रथम चरण का स्वामी चंद्रमा, द्वितीय चरण का स्वामी बुध, तृतीय चरण का स्वामी मंगल, चतुर्थ चरण का स्वामी बृहस्पति है। यानी चंद्रमा, बुध, मंगल और बृहस्पति चार चरण में आपकी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। चंद्रमा से भाग्य अच्छा होगा, बुध से नौकरी व्यापार में प्रभावशाली योग बनेंगे, मंगल से आपके सामर्थ्य शक्ति का उदय होगा और बृहस्पति से धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। आज बृहस्पति शनि का प्रभाव है, शुक्र और बुध की दृष्टि है, तो बेहतर समय का लाभ उठाकर जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी, मान प्रतिष्ठा भी मिलेगा, कामयाबी सफलता भी मिलेगा। आपके जीवन में कोई ऐसा बदलाव होगा जो आपके जीवन में खुशियों को भरेगा। ये जो समय है सफलता कामयाबी का समय है, सुख संपत्ति कमाने का समय है, भाग्य को आगे बढ़ाने का समय है, जीवन में समृद्धि हासिल करने का समय है। क्योंकि शनि की चाल से आपको कामयाबी मिलेगी, शनि के चाल से ही भाग्य आपके बुलंद होंगे, जीवन में खुशियों का आनंद लेंगे, बड़ी सफलता भी हासिल करेंगे और खुलकर जीवन में सुख भी पाएंगे। रिश्तों में मजबूती शुक्र से प्राप्त होगी। आज आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है कि शनि के ऊपर बुध का भी प्रभाव है, शनि के ऊपर राहु का भी प्रभाव है, जबकि शुक्र केतु के साथ गोचर कर रहा है और शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि है। वहीं मंगल सूर्य बुध की युक्ति है और उसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है और बृहस्पति मंगल से प्रभावित है। तो ग्रहों के चाल को देखें, नक्षत्रों की दशा को देखें, तब आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, आपके जीवन में कुछ शुभ होने वाला है। यानी मन के मुताबिक धन का अर्जन करना, मन के मुताबिक सफलता पाना, सोच समझ कर काम करना आपके लिए लाभ और सौभाग्य को बढ़ाने का काम करेगा। आज राहु काल 9:20 से 10:42 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें, पूरब दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लक्की कलर ग्रीन होगा, लक्की नंबर 6 होगा। त्रिपुष्कर योग सुबह 6:35 से आरंभ होगा, जो आपको बड़ा भाग्यशाली बनाएगा, सौभाग्य का सुख देगा और किस्मत को चमकाएगा। त्रिपुष्कर योग में शनिवार का दिन पुनर्वसु नक्षत्र में बृहस्पति और पुष नक्षत्र में शनि से आपकी किस्मत चमकेगी, बेहतर परिणाम मिलेगा, आप भाग्यशाली सौभाग्यशाली होंगे। हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान।